मध्य प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों ने आज से अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल शुरू कर दी है। वहीं छतरपुर जिले में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और छत्रसाल चौराहे स्थित पावर कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते हुए उग्र प्रदर्शन किया। विद्युत वितरण कंपनी में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की विभागीय पॉलिसी बनाकर संविलियन करने एवं संविदा कर्मियों का नियमितीकरण करने की प्रमुख मांगों के चलते कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। हड़ताल पर बैठे मोहम्मद आकिब ने बताया कि बिजली कंपनी द्वारा जो शोषण किया जा रहा है, हम सभी उसके खिलाफ हैं और उसका पुरजोर विरोध करते हैं। उन्होंने बताया कि आउटसोर्स कर्मचारियों का नियमितीकरण भाजपा जनसंकल्प 2013 के अनुसार तत्काल प्रभाव से किया जाए, साथ ही 20 लाख का दुर्घटना बीमा कराए जाने की मांग भी रखी गई है। कुल मिलाकर बिजली कंपनी के आउटसोर्स कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से बिजली सप्लाई और अन्य आवश्यक सुविधाओं पर असर पड़ेगा, जिसको लेकर बिजली कंपनी के कार्यपालन अभियंता आर.ए. मिश्रा ने बताया कि कर्मचारियों की हड़ताल को देखते हुए आपातकालीन व्यवस्था की गई है। रेगुलर कर्मचारियों को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है ताकि बिजली व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। वहीं उन्होंने कहा कि संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल से राजस्व संग्रहण संबंधी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। हड़ताल के दौरान बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी मौजूद रहे। कनिष्ठ अभियंता छतरपुर ग्रामीण प्रथम है। आज हमारी मांग जो है आउटसोर्स कर्मी को संविलियन करने के लिए और संविदा कर्मियों को नियमितीकरण करने के लिए है। जो आउटसोर्स के साथ शोषण हो रहा है, कंपनी कर रही है और शासन कर रहा है, हम उसके पूरे खिलाफ है। कंपनी हमें बार बार आश्वासन देती है कि हम आपकी मांगें पूरी करेंगे, लेकिन आज दिनांक तक हमारी मांगें कोई पूरी नहीं हुई है। 2013 में भी संकल्प लिया गया था कि हमारा नियमितीकरण किया जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक वो नहीं हुआ है। इसलिए हम शासन के खिलाफ आज एकजुट होकर पूरे आउटसोर्स कर्मी, संविदा कर्मी, सब साथियों के साथ मिलकर और हमारा उच्च विभाग भी सब मार्गदर्शन देते हुए हम एक साथ होकर इसका विरोध कर रहे हैं और अपने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का वो कर रहे हैं। कितने 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 लोग इसमें शामिल हैं और कब तक ये हड़ताल चलेगी? छतरपुर जिले के लगभग 450 आउटसोर्स कर्मी और 50 संविदा कर्मी इसमें शामिल हैं और ये जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी ये हड़ताल जब तक चालू रहेगी, कार्य बहिष्कार हमारा चालू रहेगा। जी हाँ, आज पूरे मध्य प्रदेश में आउटसोर्स और संविदा कर्मियों का आह्वान है हड़ताल के लिए। तो छतरपुर जिले में भी हमारे यहाँ 177 हमारे डिवीज़न के अंतर्गत आउटसोर्स कर्मचारी हैं और 15 संविदा वाले कर्मचारी हैं, वो सभी हड़ताल पर हैं और बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी कुछ जो प्रमुख मांगे हैं उनके आधार पर लगातार उनका जारी है। इस हेतु अभी हमारा जो इतने सारे एक साथ कर्मचारी कम होने के कारण व्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ा हुआ है। फिर भी हमने जो हमारे रेगुलर कर्मचारी हैं उनको सब स्टेशन पर तैनात किया गया है, जो हर जगह पर अपनी बिजली बंद चालू सही समय पर कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारा जो फ्यूज कॉल है इसमें कुछ कार्य जरूर प्रभावित हुआ है। जो हमारे यहाँ 3 टीमें सुबह रवाना होती थी उसकी जगह पर मात्र हम 1 टीम रवाना कर पाए, जिससे कुछ उपभोक्ताओं को जिनकी फ्यूज कॉल है उनमें जरूर विलम्ब हो सकता है। साथ ही अभी वर्तमान में परिस्थितियाँ ठीक है, लेकिन अगर ये लंबी हड़ताल घिसती हैं तो निश्चित रूप से हमें कुछ समस्याओं का सामना आएगा। खासकर हमारा राजस्व संग्रहण है उस पर बहुत विपरीत असर पड़ा है, आज पूरी तरह से बंद हो गया है। श्री राधा माधव TVS शोरूम, TVS बाइक्स एंड स्कूटी का जाना माना शोरूम, जहां आपको मिलते हैं लेटेस्ट से लेटेस्ट मॉडल्स और लाए हैं दिवाली के अवसर पर आपके लिए एक सुनहरा अवसर। आप पाए 100 के नगद इनाम के साथ सुंदर सुंदर उपहार, तो आज ही ले जाएं अपना वाहन और 100 नगद इनाम के साथ पाए गिफ्ट्स भी। है ना मजेदार मौका, तो आज ही आए TVS शोरूम, सॉन्ग रोड, मथुरा।